नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के बलड़ी बाईपास से। और आप देख सकते हैं कि हाईवे के नज़दीक ये ट्रक जो है, बताया जा रहा है टायर फट जाता है, अचानक से टायर फट जाता है और जो बीच में नाला आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर जाकर अनियंत्रित होकर जो है पूरा गिर जाता है, बुरी तरीके से पलट जाता है। आप देख सकते हैं इसके पहिए आपको हवा में ऊपर नज़र आ जाएंगे और बाल बाल ड्राइवर की जान बचती है। जी हाँ, बाल बाल ड्राइवर की जान बची है, क्योंकि बताया जा रहा है कि आगे की जो खिड़की है उसे तोड़कर ड्राइवर को निकाला गया। और ये भी बताया जा रहा है कि यूपी की तरफ से UP81CT2395 जो है इसका नंबर है और यूपी की तरफ से ही ये ट्रक जो है वो आ रहा था। और बताया जा रहा है आगे ढांड की तरफ इस ट्रक ने जाना था, लेकिन उससे पहले बताया जा रहा है कि ये रास्ता भटक जाते हैं, जिसके चलते जो है ये अपनी गाड़ी को यहाँ से निकाल कर आगे पेट्रोल पम्प के पास किसी खड़ी करने के लिए जा रहे थे। और आपको बता दें कि करनाल से जो है आगे की तरफ यानी चंडीगढ़ की तरफ जाते हुए ढांड बीच में पड़ता है नीलोखेड़ी के आसपास, तो वहां शायद इन्होंने जाना था जो जानकारी है। और इनकी जान इस हादसे में बाल बाल जरूर बच गई है। जीरी से लोडेड ये ट्रक जो है वो बताया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो काफी बुरी तरीके से बिल्कुल ट्रक पलट जाता है, एक हिस्सा बिल्कुल हवा में चला जाता है और जो आगे की खिड़की आपको टूटी हुई नजर आ रही है, इस खिड़की से ड्राइवर ने अपनी जान बचाई है। लोगों ने बताया जा रहा है कि खिड़की को तोड़ा है और उसके बाद इस जो ड्राइवर है उनकी जान बच पाई है। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि आप भी ध्यान से जो है वो गाड़ी चलाएं। और साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हादसा होते होते टला जरूर है, क्योंकि अचानक से जो बताया जा रहा है जब टायर फटा तो उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित हुई, जो ये ट्रक है वो बुरी तरीके से उसका पहिया यहाँ चला जाता है, जिसके बाद पूरी की पूरी जो ट्रक है वो पलट जाता है। ये देख सकते हैं कि जो दूसरे नीचे के पहिए हैं, एक तरफ के जो पहिए हैं टायर हैं, वो पूरे के पूरे नाले के अंदर आपको नज़र आ जाएंगे। और अभी बताया जा रहा है कि क्रेन को बुलाया जाएगा, जिसकी सहायता से इसको सीधा किया जाएगा। लोडेड ट्रक है, इस वजह से काफ़ी मशक्क़त जरूर करनी पड़ सकती है। और मौके पर ड्राइवर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं किस तरीके से ये टायर फटा हुआ नज़र आ रहा है। ये अगर आप टायर देखेंगे तो ये फटा है, जिसके कारण अनियंत्रित हुआ ट्रक और उसके बाद इस नाले में जाकर पलटा है और ड्राइवर की जान बाल बाल बची है। जी हाँ, ड्राइवर की जान इसमें बाल बाल बची। हालाँकि इस ट्रक में दो लोग बताए जा रहे हैं, एक ड्राइवर मौके पर है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो बताया जा रहा है कि देर रात का यह हादसा है, लगभग 2 बजे का यह हादसा बताया जा रहा है, जिसके कारण जो ड्राइवर है वो रास्ता भूल गया, रास्ता भटक गया, क्योंकि उसको रास्ता जो है वो रात को समझ नहीं आया। शायद ज़्यादा अंधेरे होने की वजह से उसको नहीं पता चल पा रहा था कि कहाँ जाना है, जिसके चलते वो आगे जो पेट्रोल पम्प है वहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़ी करने के लिए जा रहा था, लेकिन उससे पहले टायर अचानक से फट गया और अचानक से गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई। ये ड्राइवर हैं, एक बार हम उनसे ही जानेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि यूपी से आगे जा रहे थे, अंबाला की तरफ जा रहे थे, जो बीच में ढांड पड़ता है वहां पर इन्होंने जाना था। जीरी से लोडेड ये ट्रक है और एक बार हम ड्राइवर से ही जानकारी लेंगे कि वो सुरक्षित हैं और जो उनके साथ व्यक्ति था वो सुरक्षित है या नहीं। ज्यादा लोड नहीं था, ये उसकी वजह से जो टायर फट गया उसकी वजह से ये कंट्रोल नहीं हुई गाड़ी, पेपर पे थी उसकी वजह से वो उसमें गड्ढे में घुस गई। अच्छा, तो ये किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई? नहीं, किसी को चोट नहीं, चोट नहीं आई। कितने बजे हुआ था रात को ये? ये हुआ 2 बजे से। 2 बजे? 2 बजे हुआ है। तो कहाँ से आ रहे थे आप? मैं आ रहा था यूपी से। यूपी, और जाना कहाँ था? मुझे जाना था, मैं जा रहा था, रास्ता भटक गया तो मैं पंप पर गाड़ी लगा रहा था। अच्छा, मैं जा रहा था ढांड। अच्छा, ढांड जाना था, तो आप पंप पे गाड़ी लगा रहे थे। तो अभी क्या कहते हैं, मालिक को बता दिया आपने नुकसान हुआ है यहाँ पे? हाँ, बता। ट्रक में टूटा भी है नीचे, नुकसान भी हुआ है? हाँ, बता दिया। और ये हाइड्रा वाले को बुला लिया? हाँ, बुला लिया उठाने के लिए। तो निकले कैसे थे, किसने निकाला था आपको रात को? नहीं, दो बंदे आए थे, उन्होंने शीशा तोड़ के निकाला था। शीशा तोड़ के निकाला था? तो फंसे रहे थे उसके बीच में ज्यादा देर तक? ज्यादा देर तो नहीं फंसे थे, चोट किसी आई नहीं थी। मैं उन लोगों से मना कर शीशा मत तोड़ो, आप ही निकले आएंगे, तो उन्होंने शीशा तोड़ के निकाल दिया। तो कोई वाहन तो नहीं था आपके पीछे जब? नहीं नहीं, कुछ नहीं था आगे पीछे, बचाव हो गया। और यहाँ